एक्सरसाइज 6D ISC क्लास 12 OP मल्होत्रा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का एक्सरसाइज है। इसमें बोला गया है मैन बाइज 8 dozen मैंगोज, 10 dozen एप्पल्स एंड 4 dozen बनानाज। मैंगोज कॉस्ट ₹18 पर डजन, एप्पल ₹9 पर डजन एंड बनाना ₹6 पर डजन। ओके, रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ब्रॉट बाय अ रो मैट्रिक्स। जो क्वांटिटी ब्रॉट की गई है उन्हें रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। एंड द प्राइस बाय अ कॉलम मैट्रिक्स एंड हैंस ऑब्टेन द टोटल केस। ओके, तो देखो यहाँ पर 8 dozen मैंगोज हैं, उनकी प्राइस कितनी है? ₹18 पर डजन है। कितनी है? ₹18 पर डजन है। टेन डजन एप्पल्स हैं जिनका कॉस्ट 9 पर डजन है। 4 dozen बनानाज हैं जिनका कॉस्ट 6 पर डजन है। ओके, अब उसने आपसे बोला है प्रॉब्लम में कि जो क्वांटिटीज ब्रॉट की गई हैं उन्हें रो मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये रो मैट्रिक्स में लिखी गई हैं 8, 10 और 4। और जो प्राइस है उसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है 18, 9 और 6। अब ये जो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है। क्या है उसका ऑर्डर? 1/3 है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्वांटिटीज ब्रॉट की गई हैं उन्हें रो मैट्रिक्स में लिखना है। तो 8 ये लिखा गया, 10 इधर लिखा गया, 4 इधर लिखा गया। और जो प्राइस है उसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। तो 18, 9 और 6। अब देखो इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1:3 है। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3:1 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। या हम उसे सिंपल तरीके से बोलें कि बीच वाले दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 1:1 का होगा। इसका ऑर्डर कितना है? देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर? 1:1 हो जाएगा। तो 18 8 जा 144 होता है, 10 × 9 19 होगा। ओके, और 4 × 6 24 होगा। अब हम इसको जब ऐड करेंगे, 144 + 90 + 24 को, तो 258 आएगा। तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा? ₹258 अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा। अ स्टोर हैज इन स्टॉक 20 dozen साइट्स। कितनी हैं उसके पास? 20 dozen साइट्स हैं, 15 dozen टूजर्स हैं एंड 25 dozen पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं। इफ द सेलिंग प्राइस आर ₹50 पर सेट। साइट्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹50 है पर साइट्स। ट्राउजर का सेलिंग प्राइस कितना है? ₹90 पर ट्राउजर है। और जो पेयर ऑफ सॉक्स है वह है ₹12 पर पेयर ऑफ सॉक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टोर ओनर विल गेट आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम इन द स्टॉक। तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर साइट्स कितनी हैं? साइट्स 20 dozen हैं। तो हो जाएगा 20 × 12। कितना हो जाएगा? 20 × 12 हो जाएगा। दिस इज 240 साइट्स हो गई अपने पास। फिर 15 dozen ट्राउजर हैं, ट्राउजर्स कितने हैं? 15 dozen है। तो ये 15 × 12 कितने हो जाएंगे?
रुपीज 180, सॉरी रुपीज नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर कितने होंगे, 180 होंगे। फिर क्या है, पेयर ऑफ सॉक्स कितने हैं, 25 डजन पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स 25 डजन, तो दिस इज 25 × 12 इतना हो जाएगा 300। ओके, तो हमारे पास टोटल सेट्स कितनी हैं, 240 हैं, टोटल ट्राउजर कितने हैं, 180 हैं, टोटल पेयर ऑफ सॉक्स कितने हैं, 300 है। अब इनकी प्राइस देखिएगा, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको रो मैट्रिक्स में लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम किस में लिखेंगे, रो मैट्रिक्स में लिखेंगे, 240, 180 और 300, ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। पहले नंबर पे हमने सेट्स लिखा, फिर ट्राउजर लिखा, फिर पेयर ऑफ सॉक्स, इनकी जो कॉस्ट है वो हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ओके, तो देखते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं, देखो क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सेट्स इज 50, कितनी है, रुपीज 50 है। ओके, ट्राउजर रुपीज 90 एंड पेयर ऑफ सॉक्स रुपीज 12, इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये सेट्स का कॉस्ट है रुपीज 50, ट्राउजर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, रुपीज 90 दिया हुआ है, पेयर ऑफ सॉक्स का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3 है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 1 है, ये मिडिल वाले सेम हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ऑर्डर लिखेंगे पहले वाले का, ऑर्डर लिखेंगे दूसरे वाले का। अब यदि ये मिडिल वाले टर्म इक्वल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब इनका, देखो तो दिस इज 240 × 50 प्लस 180 × 90 प्लस 300 × 12। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ए 16200 होगा, दिस इज 3600। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो देखो ऐड करेंगे तो 0 से 0 ऐड हुआ, फिर 0 से 0 ऐड हुआ, फिर 6 602 क्या होगा, 8 होगा। ओके, इसमें ये 12000 आएगा, कितना आएगा, ये 12000 इनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 3 और 6 9, ओके 9 और 2 11 का 1, फिर 1 2 3, ये 31800 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चंस में हमें जो सेट की प्राइस दी हुई है, ट्राउजर की प्राइस दी हुई है, पेयर ऑफ सॉक्स की प्राइस दी हुई है, वह वन पीस का प्राइस दिया हुआ है, मतलब सेट के वन पीस का प्राइस, ट्राउजर के वन पीस का प्राइस और पेयर ऑफ सूज का प्राइस दिया हुआ है, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा, अ शॉपकीपर हैज 10 dozen फिजिक्स बुक, किसी दुकानदार के पास 10 dozen फिजिक्स बुक हैं, 8 dozen केमिस्ट्री बुक्स हैं एंड 5 dozen मैथमेटिक्स बुक्स हैं, इफ देयर सेलिंग प्राइज आर रुपीज 65.70, इस सेलिंग प्राइस किसी दी हुई है, फिजिक्स की दी हुई है,
43.30 केमिस्ट्री की सेलिंग प्राइस दी हुई है और 76.50 ए मैथमेटिक्स की सेलिंग प्राइस दी हुई है। फाइंड बाय मैट्रिक्स मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इफ ऑल द बुक्स आर सोल्ड। सारी की सारी बुक्स यदि सोल्ड हो जाती हैं तो उस दुकानदार को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। ओके, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर फिजिक्स बुक कितना दिया हुआ है, 10 डजन। तो हम इसे 12 से इंटू करेंगे तो नंबर ऑफ पीस आ जाएंगे 120। हमारे पास फिजिक्स का पीस है। फिर केमिस्ट्री लेते हैं हम, केमिस्ट्री कितना दिया हुआ है, केमिस्ट्री का बुक 8 डजन दिया हुआ है, 8 डजन। तो जी 8 × 12 कितना होता है, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। फिर मैथमेटिक्स कितना दिया हुआ है हमें, 5। दिस इज 5 × 12 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनका कॉस्ट हमें दिया हुआ है, तो देखो हम क्वांटिटी को मैट्रिक्स मेथड में लिख रहे हैं, फिजिक्स बुक क्वांटिटी को हम कहाँ लिखेंगे, रो मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 96 और दिस इज 60। कॉस्ट कहाँ लिखेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, देखो कॉस्ट दी हुई है फिजिक्स बुक का कॉस्ट 65.70 दिया हुआ है, 65.70 दिया हुआ है फिजिक्स बुक का कॉस्ट। केमिस्ट्री बुक का 43.20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 43.20। और मैथ बुक का कॉस्ट हमें दिया हुआ है 76.50, कितना दिया हुआ, 76.50। अब इनका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखो 120 × 65.70 प्लस 96 × 43.20 प्लस 60 × 76.50। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 16621.20 आएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा ₹16,621.20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 को हम लोग देखते हैं, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी विच ही सेल्स इन द मार्केट, एनुअल सेल वॉल्यूम आर इंडिकेटेड एज फॉलोज। देखो प्रोडक्ट क्या है, ए प्रोडक्ट है 8000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, बी में 10000 क्वांटिटी प्रोडक्ट करता है और सी में 15000 क्वांटिटी प्रोडक्ट करता है। ओके, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ ए बी सी आर 2.25 रुपीज, बी का है रुपीज 1.50, सी का दिया हुआ है रुपीज 1.25 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। हमें टोटल रेवेन्यू बताना है ईच मार्केट का, इसकी हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x3 का हमने एक मैट्रिक्स बनाया है, इसमें मार्केट 1 को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, रो फर्स्ट में रखा हुआ है 8000। ओके, दिस वन इज देखो 8000, फिर 10000, फिर 15000। रो 2 में हमने क्या रखा हुआ है, रो 2 में हम रखेंगे मार्केट 2, 10000, 2000 एंड 20000।
कॉस्ट को हम कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे 2.25, 1.50 और 1.25, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3 होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 1 होगा। मल्टीप्लिकेशन से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 × 1 का मिलेगा। तो देखो पहली रो का हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे, तो देखो किस तरह से इंटू करेंगे उसको समझिएगा। 8000 इंटू 2.25 प्लस 10000 इंटू 1.50 प्लस 15000 इंटू 1.25, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू कर लिया हमने। अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, तो 10000 इंटू 2.25 प्लस 22000 इंटू 1.50 प्लस 20000 इंटू 1.25, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 18000 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15000 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18750 आएगा। फिर इन दोनों का सेकंड रो पे आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22500 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3000 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25000 आएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 51750 आएगा, और ये इन सबको ऐड करेंगे तो 50500 आया। तो ये मार्केट वन हो गया, ये मार्केट टू हो गया। तो अपना आंसर होगा मार्केट वन रुपीज 51750, मार्केट टू रुपीज 50500। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव को हम लोग देखते हैं। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 50000 इनटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 6% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 50000 इमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड सो एज टू ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट रुपीज 2780। हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, रुपीज 2780 क्या चाहिए है, टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, तो वह 50000 को इंटरेस्ट करता है दो तरह के बैंड में। ओके, तो हम लिख लें, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट बॉन्ड सम क्या ले लें हम, सपोज करो रुपीज एक्स ले लें, तो फर्स्ट बॉन्ड का सम ले लिया रुपीज एक्स, तो सेकंड बॉन्ड का सम क्या हो जाएगा, 50000 में से हम क्या करेंगे, रुपीज एक्स को माइनस कर देंगे। पर्सन के पास टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल रुपीज हैं उसके पास 50000। टोटल कितने रुपीज हैं, 50000 हैं। ओके, तो वो फर्स्ट बॉन्ड में रुपीज एक्स इन्वेस्ट करता है, सेकंड बॉन्ड में 50000 माइनस एक्स को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। पहले बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर दिया हुआ है, दूसरे बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6%। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने सपोज कर लिया कि उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितने सम को इन्वेस्ट किया, रुपीज एक्स किया, सेकंड बॉन्ड में कितने सम को इन्वेस्ट करेगा, नेचुरल बात है उसके पास टोटल 50000 हैं। अब फर्स्ट बॉन्ड में उसने एक्स रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया, तो सेकंड बॉन्ड के लिए कितने पैसे बचेंगे, 50000 माइनस एक्स बचेंगे। ओके, तो देखो रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है पहले का 5% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम। तो 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, रेट 5% पर, तो 5/100 हो जाएगा। सेकंड बॉन्ड का रेट कितना दिया हुआ है, ये कितना है, फर्स्ट बॉन्ड का रेट है, फर्स्ट बॉन्ड का, सेकंड बॉन्ड का रेट, रेट सेकंड बॉन्ड
सेकंड बॉन्ड का रेट दिया हुआ है 6%, तो कितना हो जाएगा 6/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/100। अब देखो हम सम को रो मैट्रिक्स में लिखें, एक्स और 50,000 माइनस एक्स, रेट को हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखें तो दिस इज 5/100 और दिस इज 6/100 इक्वल टू, कितना दिया हुआ है इक्वल टू में दिया हुआ है आपको 2780 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2780 है ना। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके देखो मल्टीप्लाई करते हैं, हम कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, दिस इज x इंटू 5/100 प्लस 50,000 माइनस x इंटू 6/100, ये मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा बन हो जाएगा इक्वल टू 2780, क्या होगा 2780 होगा। तो इक्वेशन बनेगा अपना, देखो कौन सा इक्वेशन बनेगा, 5x/100 प्लस 50,000 माइनस x इंटू 6/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2780 होगा, क्या होगा 2780 होगा। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 5x प्लस 50,000 माइनस x इंटू 6 इक्वल टू 2780 हो जाएगा। ओके दिस इज 5x, 6 5 जा 30, वो जीरो जो के तो लगेंगे माइनस 6x इक्वल टू 27830। तो माइनस x इक्वल टू होगा, देखो 5x माइनस 6x क्या होगा माइनस x, 27800 माइनस 30 40। ओके तो माइनस x इक्वल टू माइनस 22,000, तो x इक्वल टू हो जाएगा 22,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा 22,000 इन्वेस्ट करेगा फर्स्ट बॉन्ड में। ओके फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 22,000। अब सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कितना होगा 50,000 माइनस x, दिस इज 50,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 28,000 रुपीज, कितना आएगा रुपीज। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ओके इन अ डेवलपमेंट प्लान ऑफ अ सिटी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन हाउसेस फॉर विच ही नीड्स बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टोन सैंड एटसेट्रा, देयर आर 3 फर्म ABC दैट कैन सप्लाई हिम दीज मटेरियल, अ वन टाइम दीज फर्म ABC सप्लाई हिम 40, 35 and 25 ट्रक लोड्स ऑफ स्टोन एंड 10, 5, 8 ट्रक लोड्स ऑफ सैंड रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक लोड ऑफ स्टोन एंड सैंड इज रुपीज 1200 एंड रुपीज 500 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू ईच ऑफ दीज फर्म ABC रिस्पेक्टिवली। ओके तो देखो यहाँ पर जो सप्लाई है 30, 40, 35, 25 ट्रक लोड्स,
उसको हमने पी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, किससे किया, पी मैट्रिक्स से किया, 40, 35, 25, ओके। और ये स्टोन हो गया आपका, सेंड कितना है, 10, 5, 8, ये दूसरे मैट्रिक्स में हमने दूसरी रो में लिखा हुआ है। देखो तो जो स्टोन को हमने फर्स्ट रो में लिखा 40, 35, 25, सेंड को हमने किस में लिखा, दूसरी रो में लिखा 10, 5, 8। अब कॉस्ट को हमने क्यू मैट्रिक्स माना, क्या माना, कॉस्ट को हमने क्यू मैट्रिक्स माना, और स्टोन का कॉस्ट कितना है, 1200 पर ट्रक है, और सेंड का कॉस्ट कितना है, 500 है, ओके। तो यहाँ पर पी को हमने क्या लिया, क्वांटिटी लिया, और क्यू को क्या लिया, कॉस्ट लिया। अब यहाँ पर हम क्या, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 2 है, तो क्यू इंटू पी का इंटू होगा, किसका इंटू होगा, क्यू इंटू पी का, यहाँ पर किसका इंटू होगा, क्यू इंटू पी का इंटू करेंगे हम। तो हमने पहले क्यू मैट्रिक्स लिखा, दिस इज क्यू, और फिर पी मैट्रिक्स को लिखा, ये क्यू मैट्रिक्स कितना है, 1200 5 और 500 है, पी मैट्रिक्स कितना है, फर्स्ट रो में 40, 35, 25 है, सेकंड रो में कितना है, 10, 5, 8 है। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 × 2 का होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3 का होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये बीच वाले मिडिल वाले कैसे हैं, सेम हैं। तो देखो 1200 का ये पहली रो का हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 1200 × 40 + 500 × 10, पहली इस फर्स्ट रो का फिर हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, तो 1200 × 35 + 500 × 5, फिर इस पहली रो का हम थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे, तो दिस इज 1200 × 25 + 500 × 8, इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 50,000 आएगा, फिर 44,000 आएगा, फिर 35,000 आएगा, ओके। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ₹50,000, ₹44,000 और फिर ₹34,000, अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखो यहाँ पर हम एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं, इन डेवलपमेंट प्लान ऑफ अ सिटी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन हाउसेस फॉर विच ही नीड्स बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन की जरूरत है, उसे सेंड की जरूरत है। देयर आर थ्री फर्म्स, ए बी सी तीन फर्म्स हैं, दैट कैन सप्लाई हिम दीज मटेरियल एट वन टाइम, दीज फर्म ए बी सी सप्लाई हिम 40, 35 और 25 ट्रक लोड ऑफ स्टोन, ठीक ना। तो ये ए ने सप्लाई किया 40 टन्स, ये बी ने सप्लाई किया और ये सी ने सप्लाई किया, ठीक ना। ये 40 टन किसने सप्लाई किया, ए ने, फिर 35 टन बी ने सप्लाई किया, फिर 25 टन सी ने सप्लाई किया, ओके। इतने इतने ओके, ट्रक लोड ऑफ स्टोन, ये तो थी ना, ये सेंड सप्लाई किया, स्टोन कितना सप्लाई किया, ए फर्म ने स्टोन 10 ट्रक सप्लाई किया, बी फर्म ने सेंड 5 टन सप्लाई किया, और सी फर्म ने जो सेंड सप्लाई किया वो 8 ट्रक सप्लाई किया, ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर तीन फर्म हैं ए बी सी, ए फर्म 40 ट्रक स्टोन को सप्लाई करती है, बी फर्म 35 ट्रक स्टोन को सप्लाई करती है, और सी फर्म 25 ट्रक स्टोन को सप्लाई करती है। ए फर्म 10 ट्रक सेंड सप्लाई करती है, बी फर्म 5 ट्रक सेंड सप्लाई करती है, और सी फर्म 8 ट्रक सेंड सप्लाई करती है। जो रेट दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, कॉस्ट स्टोन के ट्रक का कॉस्ट दिया हुआ है 1200 और सेंड के ट्रक का कॉस्ट दिया हुआ है 500, ओके अंडरस्टूड। तो हमने देखो यहाँ पर हमें देखेंगे इनमें से किन का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे कि हम पी को पहले रखें या क्यू को पहले रखें, या क्यू को पहले रखने पर और पी को बाद में रखने पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो वो मल्टीप्लिकेशन किया गया, ओके अंडरस्टूड क्लियर।